रघुनाथ भैया जिंदाबाद, प्रभुनाथ भैया जिंदाबाद, प्रभुनाथ भैया जिंदाबाद, प्रभुनाथ भैया जिंदाबाद। का खुशखबरी बा नेताजी? जब खुशखबरी बोली देला तो अब हम का बताई? हमरे भैया के टिकट पक्का हो गई। अब आपके जिला पंचायत अध्यक्ष बनने से केहू नहीं रोक सकेला। ये जिला में केहू पैदा नहीं खे भाई। हमरा खिलाफ, प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ खड़ा होखे वाला। साला यहाँ कैसे आ गई? का रे गंगुआ, ते यहाँ का करता रे? हमरे मालिक अर्जुन ठाकुर के आदेश बा प्रभुनाथ जी, चुनाव से अपन नाम वापस ले ली। ओ करी मजाल कि हमनी के मामले में बोले। जेकरे पछवाड़ा में दम होखे ना, ई टिकट कटवा दे और जाके अर्जुन ठाकुर से कह दिए हम ओकर संदेशा सुनने से इनकार कर देनी है। संदेशा नहीं खे प्रभुनाथ जी, आदेश बा आदेश, वो भी अर्जुन ठाकुर के। अब एकरा के मरला से कौनो फायदा नहीं खे। अर्जुन ठाकुर के नाम जड़ से उखाड़े का पड़ी। अरे हमारी जीत की खुशी में तो आपके और अर्जुन बेटा की हक बा। अरे ना अहमद भाई, ई तो आपके सच्चाई और ईमानदारी का जीत था, जवार के जनता का जीत था। जाऊन भी होके एकर श्रेता अर्जुन बेटा के ह, जेकर वजह से ई हमनी के जीत भइल बा। बस बस अहमद चाचा, हम तो जवार के जनता के इतना जागरूक देखा चाहता नहीं कि कल वो कौनो भी बाहुबली से ना डरे। अच्छा भाई, हम हार गई नहीं, बस अब सुना, ई जीत के खुशी में हमार बिटवा तोहार दोस्त इकबाल एगो जश्न रख ले बा। ओकर इच्छा बा कि तू जश्न में शामिल होका। लेकिन हम, अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं बेटा, ये हमार उम्र थोड़े ना पार्टी में जाए के, ये तो तोहार उम्र है, जा। We'll be right back.
रुका 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 अजय रुका। इला साहब आपके बाकी पैसा का बात बा साहब? आप बहुत परेशान लगत बानी। तो के मालूम बा ना केकर घर है? केकर ठाकुर भानु प्रताप सिंह के। ओ बाप रे, यहाँ आदमी आ तो जाला अपनी मर्जी से, लेकिन जाला उनके मर्जी से, या तो दो पैर पे या तो चार कांधा। अरे भागी हम यहाँ से। साला तहिनन, तोहरा ऐसन ऐसन के कतना के इजाज़ जीवन बर्बाद कर देनी जा। हमनी के खिलाफ गांव वाला के भड़का उतरे तू। जानो तरस का अंजाम हुई बाहुबली के इलाका में? अब बाहुबली के खिलाफ बोलबे तो एक अंजाम मौत होला मौत, तोर खोपड़ी में भूसा भर गिल। ठाकुर साहब, उस सड़क के टेंडर वाला इंजीनियर साहब आयल बड़ा। ठाकुर साहब प्रणाम। का हाल चाल बा इंजीनियर साहब? आपके दया से सब ठीक बा। सब ठीक बानो? ठीक। बैठा बैठा ये रघुवीर, ये का चिल्लम चिल्ली मचावले बड़े, ये करा के यहाँ ले आओ। चल चल छोड़ दे ठाकुर साहब। भैया अभी माफी मांगता, लेकिन एकरा के तब सबक सिखाई के पड़ी। हमरा के छोड़ दे ठाकुर साहब, हमरे आखिरी गलती समझ के हम बाल बच्चे दर्द में छोड़ दे। अरे तोरे अंदर दया नाम की कोनो चीज बाकी नहीं। अरे एकर ई गलती आखिरी गलती बा। ठाकुर साहब, ये नोट आपके सेवा शुल्क है इंजीनियर साहब जी। अरे मिठाई का डब्बा तो खोला। अब मिठाई तो मिठाई ही नहीं होला। अरे एक बार खोल तो ल, आजकल मिठाई बम भी चल गई बा। घबरा मत इंजीनियर साहब, कल सड़क के टेंडर हमारे नाम ही खुली के चाहिए। एकरे खातिर 1,00,000 के नजराना और ये धोती शुभ है। अगर कुछ गड़बड़ भइल तो ई धोती अपन परिवार के कफन समझ के ले जा। बाहुबली भानु प्रताप सिंह के तोहफा। हाँ। नमस्ते। हेलो इंजीनियर साहब, हमके मालूम भाई सड़क के टेंडर भानु प्रताप सिंह के नाम खोले जाता रहा, लेकिन अगर तू नहीं चाहत कि 20 साल चले वाला सड़क 20 महीना बिना चले, तब भानु प्रताप सिंह के नाम अनाउंस मत करिया। ए मिस्टर, हमके तुम्हार सलाह नहीं चाहिए। इस सलाह नहीं आदेश है शाह साहब, अर्जुन ठाकुर के आदेश। हम मजबूर बानी। लेकिन हमके मजबूर मत कर, हम बड़े प्यारी सी बिटिया हनी के साथ कुछ गलत बैठी। चवन तोरे ठीक सामने खड़ा मारुति में हमारे आदमियों के साथ खेल दिया। और सुना, टेंडर अर्जुन ठाकुर के नाम ही खुले के चाहे। हमके मालूम बा वो तो के मिठाई के डिब्बा दे ले हुई है, लेकिन डरा मत, अर्जुन ठाकुर जब तक जिंदा बा केहू के साथ अन्याय नहीं हुई। हर पार्टी के कोटेशन और माल के क्वालिटी देखने के बाद ई टेंडर अर्जुन ठाकुर के दिहल जाता है।
बोल भानु प्रताप सिंह, काहे बोलला हा? बार बार हमार रास्ता काटने के कारण, जाने के खातिर। जब दो आदमी एक ही रास्ता पे चले हैं तो केहू न केहू तो रास्ता कटबे करी। कली जवार के लोग तो हके बाहुबली के खिताब से नवाजत रहे, लेकिन आज आज हमके नवाजता। अर्जुन! वैसे एगो रास्ता बा, तू हमरे रास्ता से हट जा। ओ, तो चूटी के इतना पर निकल आई के आसमान में उड़ के बास के शिकार के सपने देखे लगल। ती तो वक्त बताई कि के चूटी है और के पाँच। सुबह सुबह लोटा लेके जात समय ढेला से बटेर मार देहल, बहादुरी नहीं इत्तफाक होला। अर्जुन जितना तोहार उम्र भइल उतना साल से ये जवार में हमार एक छत्र राज चलता। चलता नहीं, चलत रहे भानु प्रताप। अर्जुन नाम के तूफान वो छत्र के कब के उड़ा चुकल बा। भानु प्रताप और चट्टान बा अर्जुन, जेके जिंदगी भर कोशिश करके भी ओके तोरल तो दूर निशान भी ना बना पाईबा अर्जुन। हम तो से आखिरी बार कहता नहीं अर्जुन, हमरे रास्ता से हट जा। हम तोहार आज तक के हर अपराध तोहार नादानी समझ के माफ कर दे। सजा या माफी का अधिकार जीतल आदमी को होला, हारल के ना। और एक बात कान खोल के सुन ले भानु प्रताप, हम तोहार अपराध माफ नहीं कर। कहे कि मासूम अर्जुन सिंह अपराध के साथ साथ अपराधी के खात्मा करने के खातिर ही बाहुबली अर्जुन ठाकुर बनल बा। चल प्रकाश। भानु प्रताप, असली राजपूत न तो पीठ पे वार करेला और ना ही पीठ पे वार सहेला। और सुन, अगर शेर के शिकार के शौक होगे तो कुकरन पे नहीं बाहुबल पे भरोसा कर। और इतना ध्यान रखे अर्जुन ठाकुर चट्टानो झटकाई चूर चूर हो जाई। सुना, इंजीनियर के परिवार के जिंदगी के टेंडर ये दुनिया से कैंसिल कर दो। देखा लोग, हम खून खराबा नहीं खिंचात, इंजीनियर साहब के परिवार के छोड़ दो। इंजीनियर साहब बाहर आ जाइए, ये लोग समझदार लोग। इंजीनियर साहब, आप जाके थाने में एफआईआर लिखवाएं। जब तक अर्जुन ठाकुर की कवच आपके ऊपर बा, ओके क्यों भेज नहीं सकेला। आइए, हम आपके छोड़ दें। आजा बेटा, आइए। चलिए। रउआ भी एगो सरकारी कर्मचारी बनी, यही से एगो बात समझावे के चाहता नहीं, ए बात के यही जा खत्म कर दी। हम यहाँ एफआईआर लिखवाए आल पानी।
तुहार राय सुने नहीं, लेकिन एकर अंजाम आगे जाके आपके शर्म नहीं खिलागत? वर्दी में होके ऐसन बोलेला? पुलिस जनता के सुरक्षा खातिर हा, केओ के डरावे खातिर? पुलिस हमेशा तोहरा साथ नानु घूमे इंजीनियर से है, आ तू उनका के नहीं खजानत। उ तोहरा के इतना गोली मरी है कि तू मचान बन जाइबा। उ देखल जाई, लेकिन हम भानु प्रताप के खिलाफ FIR लिखवाई। लेकिन तोहरा लगे एकर का सबूत बा कि तोहरा परिवार के अपहरण भानु प्रताप सिंह करवाइले बाड़न? सबूत? सुना, भानु प्रताप जी ये जिला जवार के एक सम्मानित आदमी हवन, और एक प्रतिष्ठित आदमी के खिलाफ बिना सबूत या गवाह। ए पांडे, बहुत नाटक हो गई, अब चुपचाप इनकर FIR लिख लो, यही में तोहर भलाई बा। और गोली के बात मत कर पांडे, गोली तो हम कहके तमारब कि कबाड़ी वाला खोखा किलो के भाव ले जाए। बैठो सर, आप हमके बुलाओनी हा? हाँ, कौनो खास बात? हाँ मिश्रा, हम जब से एरिया में आयल बानी एक सवाल बार बार हमार पीछा करता जी। ई एरिया में सबसे ज्यादा FIR भानु प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज होला, जबकि दबदबा अर्जुन ठाकुर के ज्यादे बा, ऐसन का है। अब ए बारे में हम का कह सकेनी मिश्रा? हम अनऑफिशियली पूछा था नहीं, ये समझा कि तोहार सामने तोहार ऑफिसर नहीं, एक दोस्त बैठल बा। अब बोला साहब, सच्चाई ई है कि आज से कुछ समय पहले तक ए जवार में भानु प्रताप सिंह बेताज बादशाह रहे, ए एरिया के एकमात्र बाहुबली, और ऊ जौनो अपराधी के पीठ पर हाथ रख देवे ओके कानून के कौनो डर नहीं रह जात रहे, और ए जिला के राजनीति तो ओकरे इशारे के मोहताज रहे। लेकिन आज आज अर्जुन ठाकुर ओकरे रास्ते के सबसे बड़ा रुकावट बन गई बा। मतलब नया बाहुबली भानु प्रताप से भी बड़ा अपराधी? नहीं साहब, अर्जुन ठाकुर तो गरीबन के आवाज है, अगर कौनो मजबूर अपराध और कानून के सांठगांठ के कारण न्याय नहीं मिल पावेला, तो ऊ इंसाफ खातिर अर्जुन ठाकुर के पास जाला। ऊ तो इंसाफ करता इंसाफ। तो के इतना कैसे मालूम मिश्रा? हम ओके तब से जानता नहीं, जबकि वो बाहुबली अर्जुन ठाकुर ना एक मासूम सा प्यारा सा अर्जुन सिंह रहे। हम ओकरे भाई साहब इंस्पेक्टर विजय सिंह के साथ ओकरे गांव गए रहनी। सुनर अपन गा हरिहर छतवा के उगल हरियाली, हरिहर छतवा के उगल हरियाली, निकला के पिपरा के छाव बा भैया, स्वर्ग से सुनर अपन गा, अरे बा भैया स्वर्ग से सुनर अपन गा, हरिहर छतवा के उगल हरियाली, हरिहर छतवा के उगल हरियाली, निकला के पिपरा के छा भैया, स्वर्ग से सुनर अपन गाँव, अरे बा भैया स्वर्ग से सुनर अपन गाँव। चरवाहा अपन बसरी बजावे, नदिया नहर देख मंदिर के पोखरिया, लईका बजावे एमे बंसी से मछरिया, बंसी से मछरिया,
बोल कोयल कहीं पे कौआ काव काव और बोले कोयल कहीं पे कौआ काव काव हरी हर छतवा के उगल हरियाली हरी हर छतवा के उगल हरियाली निकला के पिपरा के साँव वाह भैया स्वर्ग से सुनर अपन गाँव स्वर्ग से सुनर अपन गा भुवरी भौजी देख पाथली चिपरिया काकी घास काटत गावेली पचरिया कहो काकी जल्दी जल्दी भागो बरखा दिल कहीं कीर्तन के हाला और कबड़ाई करी कह लेना कहला कह लेना कहला भक्ति भजन खोला रे एक एक छाँव अरे भक्ति भजन खोला रे एक एक छाँव हरी हर छतवा के उगल हरियाली हरी हर छतवा के उगल हरियाली भैया स्वर्ग से सुनर अपन गा भैया स्वर्ग से सुनर अपन गा प्रणाम भैया खुश रहा खुश रहा अच्छा जल्दी बैठा हमारे पास टाइम नहीं है ठीक से बैठ गए लेना हाँ हाँ गोल लागत आनी माई खुश रह बेटा नमस्ते माँ जी नमस्ते और का हाल बा सब ठीक ठाक बा और संगीता सौरभ वो लोग ठीक बा तोहार बाबूजी तो है ये नहीं की नहीं तो रुक जाती बाकी तू अच्छा ना अब उनके छोड़ा माई हम केवल दो घंटा खातिर आयल बानी वापस जाए के पड़ी शहर के माहौल ठीक नहीं थे अब पुलिस दरोगा खातिर भी शहर के माहौल ठीक नहीं थे अब माई तू बाबूजी के तरह अच्छा अच्छा ठीक बा बाकी ऐसन का जरूरी पड़ गयी कि दो घंटा खातिर आबे के पड़े माई वो मुखिया जी के फोन आयल रहे मुखिया जी अब मुखिया जी के नाम पर तोहार वॉल्यूम काहे बढ़ गयी कहा भैया वो कहा कि हमके कुछ याद आ गयी हम चले भैया हाँ चला ए उन्ने नहीं हमरे साथ चला मुखिया जी के गांव अच्छा माई आवा देखी रहुआ लोग आज ही अपन जाति के मीटिंग विधायकी के सिलसिले में हम बोलोले बानी और ललन जी अपन जाति के उम्मीदवार हूँ हाँ हम चाहता नहीं कि ए बार अपन जाति के उम्मीदवार मतलब विधायक हम बनी ए बारे में तोहार का विचार बा विजय अब हम का कहे ललन जी हम तो यह चाहब कि हमार प्रतिनिधि अच्छा होके बिना सत्यप्रकाश जी के समर्थन के ई संभव नहीं थे और हम चाहब कि अपने जात के भलाई के खातिर जाके उनका के समझावा ललन जी विधायक कौनो जात के नहीं क्षेत्र के जनता के होला
ई जवार जाति और संप्रदाय के एकता के मिसाल हा। एमे जातिवाद के पलीता ना। जात पात के पाठ हमके मत पढ़ावा। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में भी जात पात देखल जाता। ई देश के दुर्भाग्य हा। ई सच्चाई भी हा। एमे तोके हमार साथ देवे का पड़ी। जाके सत्यप्रकाश जी के समझावे का पड़ी कि खाली खोखला सिद्धांत बनौला से कुछ ना हो। ई हमार ना ई पूरी बिरादरी का फैसला है। कहो मुखिया जी। हाँ लल्लन जी, हमके मालूम बा कि हमार बाबूजी यानी के सत्यप्रकाश जी जातिवाद या संप्रदायवाद के कब्बो महत्व नहीं दिहेन। और जहाँ तक हमार सवाल बा तो हम उनके समझावल ता दूर, ए बारे में हम उनसे बात तक नहीं करब। काहे से कि हम खुद चुनाव में जातिवाद के विरोधी हैं। अगर यही खातिर हमके बुलाउल गए रहे तो हम चलत आनी। जय राम जी की। मुखिया जी ध्यान रखिया, हमके ये चुनाव कैसो भी करके जीते का बा। हम अपन सब कुछ दाव पर लगा देले बानी। कुछ ऊंच नीच भयल और चूसा तो नया टेस्ट आई और संभाल के नहीं तो काट जाई। की का होता चूसा तानी गन्ना ऊ कहां गईली ऊ के मजाक मत करो। अरे जब अगोले के बाद पारा ज्यादा चढ़ गई तो दीदी यहाँ से चल गई। अब इतना गुस्सा में आगे के प्रोग्राम के पूछे। अरे जल्दी से जा, पानी में आग लागल होई बहुत ज्यादा। चुप रह रानी। ए हमार रानी। तोय बाबूजी ओ मुखिया जी का भई हमार बाबूजी के ओ आज हमार बाबूजी के ये सब कैसे भइल। हमार बाबूजी मीटिंग बोलोल रहले ओमे भैया भी आइल रहले उही वजह से हमके लेट हो गइल। मतलब बाबूजी ठीक बाड़न उनके कुछ नहीं के भइल। तोहर बाबूजी का हुई बिना हमनी के बियाह करौले। अब का भइल। चल हमसे बात मत करा। लो अब सच कहले पे तित लग गइल। ए ए हमार रानी। का हो बोला हो। ए का अरे गजब कपड़ा पहनले बड़ो। कहां का भइल बा। कहां से भइलो। तो जोई चाहे होखे बाईबा देह भोर पर रात पेन के घूमे ले फरा सावन भादो जोई चाहे होखे बाईबा काटा तिया खाली तने थाला पा। अरे 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 नहीं बता मुआ दे लाल फरकिया वाली के तीत लागे सही बात कहला पर तीत लागे सही बात कहला पर बड़ा रे जबून लागे कहला पर बड़ा करिया वतिया कहला पर बहुते खराब लागे कहला पर। चलिए ने जोड़ दे साहब बुझा चारों लड़का मर जाओ का हो। गाँव समाज हो मरथानी सुटु सुटु दे दिया जवाब बाकी पियो तो तोर यही चीज लो जवाब। मरथानी सुटु सुटु दे दिया जवाब बाकी पियो तो तोर यही चीज ला जवाब ठीक से बोले
ना जाले नहीं लगे रहला पिताई लाल फरकिया वाली के क्लियर कर तीत लागे सही बात कहला पर तीत लागे सही बात कहला पर ए तीत लागे सही बात कहला पर पड़ी मुजबून लागे कहला पर कहो है गोर में सैंडल पहन के नदी के किनारे चल भू तो के कर नियत ना डोली देही में बा परफ्यूम गम कल मुड़ी में गाड़ी के तेल बा हे भगवान का कोरी एकरा अरे हो सुंदर हो ए बबुआना कारो मूड खराब हो मन बनाता उल्टा सीधा देह आबे खराब हो अरे जकरा जाई को दिना की में ये कम लगी लागे कम जादे लागती अपन अरे जकरा जाई को दिना की में ये दम लड़की लागे कम जादे लागती या गुंडा गरिया वती या ते ही यहाँ पे धाला पर ना मन बका लाल फरकिया वाली के ए मुखिया की बेटी अरे जा तीत लागे सही बात कहला पर बड़ी ये जबून लागे कहला पर बड़ी गरिया वती या कहला पर बहुत खराब लागे कहला I love you, darling. गांव वालन, आप सब हमरा के लाइक समझनी कि हम कुछ कहीं ये हमरे खातिर बड़े गर्व की बात बा हर बार की तरह ये बार भी इलेक्शन आ गई जगह जगह बरसाती मेढक की तरह नेता लोग बाहर आ जाई हैं कहू पैसे के लालच दी कहू धर्म के लाठी से हांकल चाही ता कहू समाजवाद जातिवाद के बहाव में बहा के आपसे वोट मांगी हम आपसे ही कहे कि लोकतंत्र में आपका वोट ऊ डंडा हा जिससे नेता नाम के ही जानवर डेराला आपके एक वोट नाम के तस्वीर बदल सकेला देश के तकदीर बदल सकेला हमें वो नेता नहीं चाहिए जो जीतले के बाद अपन तकदीर बनाए बल्कि हमें वो नेता चाहिए जो हमारा सच्चा प्रतिनिधि होके सच्चा सेवक होके स्वार्थी नेता नहीं धन्यवाद ऐसे हम आप सब से अपील करब कि आप अपन कीमती वोट रमावती जी के देव गांव के उन्नति के रास्ते पर ले जाए जय हिंद सब कहा ललन जी हम तोहरा के बहुत समझौनी मुखिया लेकिन तोहरा समझ में ना आई तू हमरा के कौनो टिनहिया गुंडा समझला ऐसन बात नहीं क्यों ललन जी ऐसने बात बा मुखिया ऐसने बात बा ऊ साला सत्य प्रकाशवा रमावती भिखारिन के एक तरफ सपोर्ट कर रहा था और दूसरा ओर तू वो हराम जादा के बेटा से अपने बेटी के रिश्ता जोड़ा था ना देखी ललन जी आज तोहरा के एकर सजा मिली बब्बन जरा खींच लावा एकरा बेटी के है ना मुखिया जेकरा के तू सत्य प्रकाश के बहु बनावे चाहता रा बाबूजी एक छोड़ दी ललन जी एकर इन्हें कोनो गलती नहीं है
बाप के कर्जा और गलती के सजा औलाद के भोगही के पड़ेगा। बब्बन ले जो एकर ई हाल करके छोड़ कि उस साले के बहू बने के लायक न रह जाए। चिंता मत करा जीजा जी, तुहार एकरा से बियाह करे का बड़ा हसरत रहे ना, तो जा आज पूरा सुहाग रात मना ला उहो सबके सामने। माफ कर दी ललन जी, माफ कर दी हमके, दया करी हमरे बच्ची पर दया करी। बबन के रोक ली ललन जी, बबन के रोक ली। जॉन का दान हुई, हमके माफ कर दी ललन जी, माफ कर दी। हमरे बच्ची पर दया करी ललन जी, हमरे बच्ची पर राम करी, बबन के रोक ली ललन जी। एक बार मुखिया जाके समझाओ सत्य प्रकाशवा के, और अगर वो ना समझे तो ओकरा से आपन रिश्ता तोड़ दिए। ध्यान रहे ई एरिया में सिर्फ भानु प्रताप के ही आदमी चुनाव जीतल बा, जेकर हाथ हमरा पीठ पर बा, जेकर नाम लेला से यहाँ से 50 कोस दूर गांव में भी लोगन के यमराज याद आ जाला। सुन लड़की, आज से अर्जुन नाम के लौंडा के एकदम में भुला जाइए। अगर हमरा पता चला कि तुहार जोच लड़ावा चालू बा, तहिए ओकरा फोटो के माला पहना दी है। और सुन, ईता सिर्फ टेलर रहे, एकरा बाद हम तोहरा के पूरा फिल्म दिखा दे, समझ ले नू? चल। ई काजी रजी, इतना अच्छा चांस रहे। ठंडा गई के खा साले सिकंदर, ऐसे तो हार ब्याह जरूर हुई, लेकिन भानु प्रताप जी के इतने आदेश रहा। चला बेटी, शायद भाग्य के ही है मंजूर बा। हम जानता नहीं ना इमे तोहार कौनो गलती बा ना हमार, पर हम सब मजबूर बानी बेटी। बाबूजी, लेकिन हम यार जुन केहू के खा बिगाड़ ले बानी जा। हमके माफ कर दे बेटी, सियासत के जंग में तुहार प्यार कुर्बान करे के पड़ी, वरना शायद अर्जुन के याद में तो के जिंदगी भर आंसू बहावे के पड़ जाई। रवा जाके सत्य प्रकाश चाचा के समझाई कि वो लोग ना समझिए बेटी, ना समझिए, अपन सिद्धांत के आगे वो केहू के महत्व ना दी है, केहू के महत्व ना दी है। लेकिन एक बात हम कहब बेटी, अर्जुन के भूल जा। हाँ रानी, अगर अर्जुन के जिंदा और सही सलामत देखे चाहत हो तो ये काम तो के कौनो तरीके से कर ही के पड़ी। ललन बहुत खतरनाक आदमी बा बेटी, बहुत खतरनाक, और वो भानु प्रताप सिंह के आदमी बा, जेकरे खातिर जिंदगी ले ले और नाश्ता के ले में कौनो फर्क नहीं खे। ये बात हम कौनो खुशी से नहीं कहते बेटी, अपन अपन दिल पर पत्थर रख के कहता नहीं। अब तो के भी अपन दिल पर पत्थर रख के ये काम करे के पड़ी। ये का कहता रानी, आखिर हमार कसूर कहा पा? कौनो कसूर नहीं खे। तो फिर ये का हा? आज ले अगर हम क्यों के बारे में सोच ले बानी तो सिर्फ तू हो। शायद ये हमार नसीब बा। तू कुछ छुपावा तरवानी, तू कुछ बोलत कहे नहीं खो, का मुखिया चाचा कुछ कह लेना? कुछ मत पूछा अर्जुन, हमसे कुछ मत पूछा, बस अगर तू हमके तनिको भी चाहता ना।
तब भुला जा हमरा के। का तू हमके भुला जे बू? तोहसे करीले जान हम तो पे दिले, प्यार तोहसे करीले जान हम तो पे दिले, जी अब ना तोहरा बिना हम हो, जी अब ना तोहरा बिना हम, गोरिया रे गोरिया रे तोहके बनाएब टोली घर वाले जाएब, दुल्हनिया तोहके बनाएब टोली घर वाले जाएब, जिंदगी तोहरे पे लुटाएब, जिंदगी तोहरे पे लुटाएब, सजनी रे ओ सजनी रे तुहके समझाई बात दिलवा के बताई, कैसे तुहके समझाई बात दिलवा के बताई, मिलन हो के रामाई, मिलन हो के रामाई, उम्मीदवारे उम्मीदवारे सजनारे उम्मीदवारे। तोहसे करीले जान हम तोहपे दिले, तू हमके भूल जाई हा, मिले कब भुलाई हा, राम के है बाबर जी, जी अब ना तोहरा बिना हम, गोरिया रे गोरिया रे होता सावित्री? कुछ हो ना,
समान सरिया रहल बानी। रउआ के तो राजनीति और समाज सेवा देखे के बा। अगर सबके सब हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए तो समाज के का होई? रउआ से तो बाद में हम न जीत पाए। अर्जुन इतना देर कहाँ रहला? सौरभ के जन्मदिन पर कल शहर चले के बा, तैयार हो जा। जी बापू जी। का बात है? अब हमरू के कुछ खाए पिए की मिली मिली कि नहीं? मिली मिली जरूर मिली। ए हमार रानी। चाचा हमरा के बुलाओ नहीं होता? हाँ छोटन, कल सोमवार है। दिवाकर नाम के वो जज कल हमार फैसला करे वाला बहन नवादा सामूहिक नरसंहार केस में। अरे रउआ हुकुम तो करी चाचा। लेकिन हम ओकर फैसला लिख चुकल बानी। वो जज के बाहुबली भानु प्रताप सिंह के खिलाफ फैसला सोचले की सजा मृत्युदंड, सजाए मौत शॉट टिल डेथ। सात जन्म ना जन्म जन्म ले इमादा तोहर संग जिए औरी मर के इरादा। विजय अब तू समझा अर्जुन के, तू तो पुलिस वाला हवा कानून के रक्षक। बाबूजी बात यह कि का बात है? का बात है? जब हम जज साहब के खून करे वालन के चेहरा देखले बानी ओके पहचान सकेली, ताई बात पुलिस वालन के बतावल जरूरी नहीं बा। बाबूजी हम ही कहल चाहता नहीं कि ओके बहुत लोग देखले, लेकिन हर आदमी गांधी जी के बानर बन गए, फिर आपे का है? अगर हर आदमी गांधी जी के बानर बन जाए तो गांधी जी के बने? अर्जुन अत्याचार के चुपचाप सहल, अत्याचार केले से ज्यादा बड़ा पाप है। इस सब किताबन में अच्छा लगेला बाबूजी। अर्जुन भैया हम सुननी है ई हत्याकांड बाहुबली भानु प्रताप सिंह करोला सा, फिर बेवजह वैसन खतरनाक आदमी के दुश्मन बनावल, कहा के समझदारी हो? अर्जुन हमके तो से समझदारी की परिभाषा सीखने की जरूरत नहीं है। विजय तू बोला तोहार का विचार बा। आप जैसन चाहब वैसने होई, आज आप आराम करी बाबूजी, कल सुबह हम आपके लेके थाना चलब। जय हिंद सर। जय हिंद विजय। सर यह है कि हमार बाबूजी। हाँ हाँ बाबूजी। बैठी बाबूजी। सर बाबूजी जज मर्डर केस के आई विटनेस आई, यह के उन हत्यारन में से एक के चेहरा दिखले बानी। हाँ दरोगा जी, हम ही मामले में कानून के मदद कर चाहता नहीं। विजय तू खुद एक पुलिस वाला बाड़ा, बात घर के बा, ऐसे तोहरा के कुछ समझावे के चाहता जी। देखा विजय एक केस के बारे में अंदर के का खबर बा तोहरा तो पता हुई? हाँ सुनाता है मैं भानु प्रताप सिंह के हाथ बा। हाँ यह समझावे के चाहता नहीं। बाबूजी तो गांव के भोला भाला आदमी हो,
लेकिन तू तो जान तरह भानु प्रताप के बोला ए पूरा जवार में कोई उनका सामने सिर उठा के बात कर लेला तो अगला दिन होकर सिर धड़ से अलग मिलेगा। आखिर विजय तू का भैल बाबूजी आप उठ का है गई नहीं देखा तानी कानून के रक्षक का नया रूप हमके यहाँ हर तरफ भय और दहशत की बुआ आता अरे जॉन जज कानून में भगवान समान मानन जाला होई के इंसाफ दियावर में कानून के रक्षक के अंदर अपराधी का इतना आतंक हमार तो यहाँ दम घुटता है विजय लेकिन बाबूजी हमू देखी कानून के स्तंभ पर आतंक के साया कितना ऊपर तक बा साहब अभी मत समझब कि हम आपसे प्रार्थना करें आप हमें चश्मदीद गवाह मान लें और ना ही आप लोगों का ये व्यवहार देख के हमें गुस्सा आवत बा हमारा दुख होता ये देखे कि बाहुबली के अपराधी के आतंक और उनका डालल हड्डी दीमक बन के कानून के स्तंभ के भीतर से पूरा खोखला कर चुकल बा देखी सत्यप्रकाश जी हमें कोनो सफाई नहीं चाहिए कोनो सफाई नहीं चाहिए साहब हमारा में सच्चाई का ताकत बा और हम पीछे नहीं हटब बाबूजी हमेशा सच्चाई के साथ देवे के कहत रहलन हमके खुशी बा कि आज भी आप जैसन लोग सच्चाई के साथ देत बा का मतलब जे अपन सिद्धांत और सच्चाई के ताकत समझत बा आप चिंता मत करी कानून आपकी मदद से ई केस के अंजाम तक पहुंचाई हमें ओके डरने के फिर भी कानून के काम करे के आपन तरीका बा Okay.
जल्दी से मुन्ना राजा हो जा तू सयान हो तू लहा बनाई तो के बायर मान हो इतने बिनती करी ले जगदम्बा माई के चरण छूके जन्म जन्म ले हमनी के ना बांधल बंधन टूटे बाबू हो राजा हो सुगा हो बेटा हो बाबू हो राजा हो सुगा हो बाबू हो अपने सिर पर भानु प्रताप चाचा के हाथ बा जज ता छोड़ पूरा अदालत भी उड़ा देती तब वो कौनो वर्दी वाला के हिम्मत नहीं थे टच भी करे चल निकल बाहर आज तो हीरोगिरी छुड़ा दे तानी चल ए दरोगा बहुत भारी पड़ी हमरा पे हाथ डाल सब छोड़ और अपन चिंता कर बहुत लंबा नपबे ते तोर सब दादागिरी छोड़ा दे चल लागा था हमरे पिटाई के असर तोरा दिमाग पर घुस गई बा नहीं दरोगा दिमाग ता तोहार खराब हो गई बा अरे छुट्टा नाम है हमार और हम भानु प्रताप सिंह के भतीजा हैं लंबा ता छोड़ छुट्टा नहीं आज छह मिनट भी ना रही जय हिंद सर जय हिंद विजय ये सब का और अलवा सर ही छुट्टन हा जज साहेब के हत्यारा ए दरोगा अगर अपन भला चाहता डो तो छुट्टन को छोड़ दो एकरे खातिर आपके अदालत जाए के पड़ी भानु प्रताप के अपन अलग अदालत बा ऐसन कुछ मत करा हम तोहार फैसला लिखे के मजबूर हो जाई हमारे पास जज हत्याकांड के गवाह बा भानु प्रताप के खुदकुशी कैल चाहता दरोगा या तो वो कोनो पागल हुई या भानु प्रताप सिंह के ठीक से जानत नहीं हुई हम तो के अच्छी तरह जानत ताली भानु प्रताप लेकिन तू हम के नहीं के जानत हम हमेशा सत्य का साथ देले बानी और सत्य की राह से तौरे जैसन 50 भानु प्रताप भी हम के नहीं डका सकन लागत है तोहार टाइम पूरा हो गई बा हमार एक इशारा तो आर भाषण हमेशा खातिर बंद कर सकेला बुढ़ाऊ लेकिन हम ई नहीं की चाहत कि ई जवार में कोनो आदमी बिना हमरे खौफ के दुनिया छोड़ दे सजा तो तोके मिली लेकिन ऐसन हर पल तोरे जबान पर एक के नाम याद रही भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप इतना याद रखिया यह है कि हमार बाबूजी हैं भानु प्रताप सिंह केहू का कर्जा नहीं रखेला सूद के साथे वापस करेला दरोगा सूद के साथे बोला ना दादाजी हाँ बेटा हाँ मुझे तोहार बेटा हमार बेटा के
शिकायत लेके आयल बा, बोला का करे के चाही? आप जौन ठीक समझी करी बाबूजी, वैसे अपना बेटा के थोड़ा ख्याल रखब। नहीं बाबूजी, आप सिर्फ न्याय करी, बिना आपन पर आए देख ले। बिल्कुल ठीक चाचा। तो शिकायत दी बा कि बहुत दिन से तू सौरभ और संगीता के बाहर घुमावे नहीं खा ले गई। अब हमरे पास टाइम नहीं थे बाबूजी। चुप, अब ही ना रहो बाकी बा। वो दिन सौरभ के बर्थडे वाले दिन तू ड्यूटी पर चल गई ला। असली बात बोलो ना दादाजी। हाँ बाबूजी, अब आप सिर्फ फैसला सुनाए। अब हम फैसला सुनाए काले विजय, संगीता के और सौरभ के बाहर घुमावे ले जाई है। ये फैसला है या सजा? का हम सजा बन गए? नहीं। अच्छा ये बतावा, सिनेमा कैसन लगा? हाँ बहुत बढ़िया रहे। वो सब ठीक बा पापा, पहले हमें टेप खरीदो, हम उसमें गाना गा के रिकॉर्ड करो। इंडियन आइडल में भेजे खातिर? आपके कैसे मालूम? अरे बेटा, जितना गधा सुर वाला लोग बा, सबके यह सपना है। मम्मी देखो पापा का गाना। जी सुनी, हमरा बेटा के कुछ मत कही। अच्छा बाबा ठीक बा, हम अपना बेटा के टेप खरीद दे, हम पार्किंग से अपन गाड़ी लेके आवतानी। हाँ बेटा। जी पापा। भानु प्रताप सिंह केहू का कर्जा नहीं रखेला। होश में आवा भानु प्रताप। भानु प्रताप सिंह से केहू ऊंची आवाज में बात नहीं करेला दरोगा। सौरभ तू इज में रुका, हम आपता नहीं। सत्यप्रकाश जी, जौन भइल ओकर हमके और हमरे डिपार्टमेंट के बहुत दुख बा। बस ऑफिसर साहब, बस हमके
आपके सहानुभूति नहीं चाहे, नहीं चाहे। आपके डिपार्टमेंट वालों के, खास कर आपके डिपार्टमेंट वालों के बाल मालूम बा कि दुनिया में सबसे बड़ा वजन केकर होला, केकर होला। एक बाप के कंधे पर बेटा केला। पुलिस जल्द ही अपन काम करी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आपकी खोखले आप दर्दी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सत्यप्रकाश जी, पोस्टमार्टम हाउस से डिलीवरी रिपोर्ट के कागजात पर आपके सिग्नेचर छूट गए रहे। प्लीज ये एगो फॉर्मेलिटी है। सत्यप्रकाश जी, छुट्टन के रिहाई के कागज पर सिग्नेचर करेला बहुत बहुत शुक्रिया। के प्रकाश फैलावले के इनाम मिले गए। हम तो से कहले रहनी बुढ़ू तो के ऐसी सजा देब कि तो के जिंदगी में एक के नाम याद रही, भानु प्रताप, भानु प्रताप, भानु प्रताप। और सुना, अपन बचल कुचल परिवार के लेके गांव चल जा, नहीं तो इतना याद रखियो, हमरे से दुश्मनी कैला और आत्महत्या कैला में कोनो फर्क नहीं के, समझ गई ना? बाबूजी, कब तक ऐसे खामोश बैठल रहा?
बाबूजी, ई माहौल के बदलल बहुत जरूरी बा। ई बच्चा के कोनो माहौल से का लेना देना बा, एकर तो सारी दुनिया उजड़ गई। बाबूजी, ऐसे कहे कहता नहीं। अर्जुन, हम एगो फैसला कर ले बानी। अर्जुन, अब वो जमाना गईल जब एक थप्पड़ खाए के बाद दूसरा काल आगे करे से सामने वाला शर्म करे। बापूजी भी अगर ही जुग में होतन तो आपन सिद्धांत बदल देतन। अब तो है ताकतवर बने के पड़ी बेटा, तो के बाहुबली बने के पड़ी। इस समाज में से गंदगी साफ करने के खातिर तो है कीचड़ में उतर के पड़ी। नहीं बाबूजी, ये हमसे नहीं हुई। तो है बाहुबली बनी के पड़ी, अब तो है बाहुबली बनी के पड़ी। हम ऐसे कुछ न कर। तो है बाहुबली बनी के पड़ी। हम तीन तक गिनत मानी। एक, हम ऐसा कुछ ना करब बापूजी। हम कुछ ना सुनब तो बापूजी। तीन, नहीं बापूजी। बापूजी, हम बनब बाहुबली। बाहुबली, हम बनब बाहुबली। ¡Gracias!
सब ना साई होना सची खला ढंग ने खपी के ता आप हमसे सीखला हेलो भानु प्रताप अपने भतीजा छुट्टन के रिहाई के जश्न मनाओ तारा के बोला था अर्जुन ठाकुर कौन अर्जुन ठाकुर स्वर्गीय सब इंस्पेक्टर विजय सिंह के भाई और सत्यप्रकाश जी के बेटा अर्जुन सिंह लेकिन आज से अर्जुन ठाकुर नाम बदल लेला अभी बताओ शहर कब छोड़ दाड़ा तोहरे दुनिया छोड़ने के बाद अर्जुन चीख मत मातम मनावे की तैयारी कर सामने देख तोहर भतीजा छुट्टन मोटरसाइकिल पे सवार हो के आवा था चाचा हम यहाँ से फोन काटब और ओकर ई माया लोग से संबंध कर जाए भानु प्रताप सिंह के बाहुबली अर्जुन ठाकुर की तरफ से तोहफा छुट्टन छुट्टन हमार बेटा छुट्टन हमारे बेटा बेटा छुट्टन छुट्टन बेटा मेरा हमारे बेटा अरे अरे कोई एम्बुलेंस लो अरे छुट्टन छुट्टन अर्जुन 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 बाहर निकल अर्जुन अर्जुन कहाँ बिल में दुबक्का बैठा बड़ा मर्द की तरह सामने अर्जुन दोनों अंदर कर हमरा के नहीं खे मालूम कि अर्जुन भैया कहाँ बाड़न और मलमो रहित त ना ही बताई काहे अपने जान का दुश्मन बन बड़ा तोहरे अंत के शुरुआत हो गई बा भानु प्रताप और तुहार अंत आ गई अर्जुन भानु प्रताप के ऊके कर्जा नहीं रखेला सूद के साथ वापस करेला अर्जुन अर्जुन ठाकुर के हमरे तरफ से एकर लास्ट तोहफा में भेज दे साहब ई रहल एक मासूम के बाहुबली बनले के पूरा दास्तान एक सिद्धांतवादी बाप अपने बेटे के लाश अपने कंधे पर लेवे के बाद अपना दूसरा बेटे के जबरदस्ती बारूद के ढेर पर बैठाई देलस तो साहब इंसान के तौर पर ऐसा आदमी के सैल्यूट करे के दिल करत है बहुत बड़ा कुर्बानी है ई साहब ठीक बा अब तू जा अब हमार बेटा जोन कही चाचा उहे करे बोला सौरभ क्या खेलबा फुटबॉल क्रिकेट अच्छा ठीक बा ए प्रकाश आज सौरभ जी के मूड नहीं छे इनके चुटकुला सुनावा चुटकुला अच्छा ठीक बा हम सुनाओ दानी प्रकाश एक सुंदर स्मार्ट और बुद्धिमान आदमी है सच कहता रहा अबे चुप सौरभ के चुटकुला सुनोनी है अच्छा ठीक बा एक और सुना रमेश प्रकाश से पूछलस कि चीनी के बोरा पे नमक काहे लिखल बा तब प्रकाश कहलस कि चींटी के बेवकूफ बनावे खातिर प्रकाश का करी कैसे के नामल करी अर्जुन सौरभ के हासिल जरूरी बा भगवान पर भरोसा रखा
कहियो जबरदस्त शौक के वजह से एकर आवाज वापस आ जाए। डॉक्टर के पूरा उम्मीद बा। हाँ आई ऑफिसर साहब, बैठिए। हमने लायक कौन सेवा? सत्य प्रकाश जी, हमरा राहुल के साथ भेले हर हादसा हर घटना के दुखबा। हम अतीत के बोझ जिंदगी भरना ही ढोवनी। और एक बात जाने ऑफिसर साहब, आपके डिपार्टमेंट के लोग बार बार आके हमारे जख्म ना कर दे, ये का मलहम हम खुद ही ढूंढ चुकल बानी। हाँ सत प्रकाश जी, हम वही मरहम के बारे में बात कर आयल बानी जौन कल जाके राउर के खातिर दोसर जख्म के कारण ना बन जाए। हम हर कदम सोच समझ के उठावले बनी। का अपन बेटा के अपराध के दुनिया के बेताज बादशाह बनाओल राउर के सोचल समझल कदम हा? ये आपका नजरिया है। आपका विभाग अपराध तो रोक नहीं पावला, कहूं ऐसा करे ओके रोके जरूर आ जा रहा, लेकिन कानून के रक्षक के नजर में नहीं, वरना आज अर्जुन के मैदान में नहीं उतरे के पड़ित। और जहां तक रहल अपराध की बात, अर्जुन अपराधी नहीं, वो इस दलदल में डूबल नहीं के बल्कि ओके साफ करे के खाते उतरल बा। कानून के नजर में सब बराबर बा, होए, लेकिन हमरे नजर में नहीं। और जहिया वो अपराध करी हम फौरन पकड़ के तुम्हारे पास ले आई, अभी नहीं, अभी तो इंसाफ करता, इंसाफ। और घुमा घुमा घुमा। अरे रानी कहाँ भगत रु? तू अगर हमार ना हो सकू तो हम तो के लायक भी ना छोड़ब कि तू कहीं और के हो सका। ई तेजाब तुहार खूबसूरती हमेशा खातिर खत्म कर दई, जे पर तोहके बड़ा नाज बा। अरे अर्जुन ठाकुर, ए पीछे ले, चलो चल चलो, हम तोहके घर छोड़ देता नहीं। ये सब कहा बेटी, कहा भाई? मुझे चाचा कहा ये सब? वो तो अच्छा भेल कि बाबूजी के कहले पर हम यहां उतरा नहीं। चाचा रानी हमसे कहले बाड़ी कि हम उकरे जिंदगी से दूर चल जाएं, पता नहीं हम उकरे जिंदगी से दूर हो पाई कि नहीं, लेकिन वो हमरे जिंदगी में आजो बाड़ी और मरते दम तक रही। हम ही जानल चाहता नहीं कि हमरे गैर जानकारी में काका भेल और बब्बन के का किस्सा। डरामा चाचा, आज तोहर अर्जुन अर्जुन ठाकुर जे ईट के जवाब पत्थर से नहीं गोली और बारूद से दिला, आज अर्जुन ठाकुर चट्टान हो, जे टकराई चूर चूर हो जाई। का बताए बेटा? साले कोनो काम संभल के करिया, ठीक बा? हाँ जीजा जी।
कौन है रे? अर्जुन ये सब कहाँ होता है बेटा? अर्जुन बेटा नहीं, बाहुबली अर्जुन ठाकुर कहा ललन। लेकिन हम तोहरा साथे कौनो गलती ना कहले है बेटा, एकरा का छोड़ दे ही बेटा, छोड़ दे। मुख जा चाचा। हमारे पास टाइम नहीं है बपन, और मैं तोरे पास तो के तेजाब से खेलने के बहुत शौक बना, आज हम इस शौक तहार पूरा करब। हमका चाहिंदा चाहिंदा बेटा, चाहिंदा चाहिंदा बेटा, हमका छोड़दा छोड़दा। कल हम कमजोर रहनी तो तू हमार जिंदगी बर्बाद कर देला, हमरे जान की धमकी देती देख। आज आज हुए अर्जुन सिंह तेरे सामने खड़ा हुआ चट्टान बन गए, हमसे चटक आए चूर चूर हो जाए। हमरा से भूल हो गई, भूल हो गई बेटा, हमरा का माफ कर दा, माफ कर दा बेटा, अब ऐसा गलती ना होई, अब ऐसा गलती ना होई बेटा। भूल नहीं अपराध, और अपराध के सजा मिलेला। नहीं बेटा नहीं, माफी नहीं, अब ऐसा गलती ना होई, ऐसा गलती ना होई। चला। बहुत हो गई मंत्री जी, बहुत हो गई, पानी नाक से ऊपर आ गई बा मंत्री जी, आज वो लल्लन के खत्म कर देलस, वो ओकरे घर में घुस के। मालूम बा, लेकिन ई ओकर कौनो पुरान दुश्मनी रहे? लेकिन रहे तो वो हमारा आदमी ना, अब तू ही बतावा इस जवाब में हमारा क्या इज्जत रह जाई? नहीं हमके एक जवाब देवे के पड़ी। थोड़ा सब्र रखा भानु, ये उपदेश सुने खातिर अपना खून पसीना एक करके बूथ कैप्चरिंग करके मर्डर करवा के तो के जितावले रहने मंत्री। तू ये मत भूला, अगर तू मंत्री बना तो हमरे बदौलत, और बदले में तू क्या कहला? बोला बोला क्या कहला तू हमरे खातिर? बात तो सुना सुना, तू नेता लोग कुर्सी खातिर अपन इज्जत दाव पे लगा सकेला, लेकिन भानु प्रताप सिंह अपन इज्जत के खातिर जिंदगी दाव पे लगा सकेला, समझ लेना। सब हुई, अर्जुन ठाकुर के इंतजाम भी हो जाए, लेकिन थोड़ा इंतजार करा, कुछ कारण बा ऐसन के एक मिनट। हेलो ठाकुर साहब, अर्जुन भाई एक घंटा के अंदर कोड़ा बाजार के रास्ते कर ही जाता, अंदर की खबर बा ठाकुर साहब, अब बहुत हो गए, अब आर चाहे पार। शाबाश चंदन, लागत नहीं कि तू यही मंत्री का बेटा हुआ। अब हम चले तानी ठाकुर साहब, हाँ हमारो के रामपुर जाए के बा, हम साथे चला तानी। चलो साथ चला। हमके इतना जल्दी तोरे अंत के उम्मीद नहीं रहे भानु प्रताप, अगर कोनो ज्योतिषी के हाथ देखवाले होता तो वो बता दे कि तोरे जीवन रेखा के लंबाई हाजी तक रहे। ज्यादा मत उड़ा अर्जुन, हम तो के सामने देख के बहुत खुश बानी, बहुत हो गई चूहा बिल्ली के खेल। तोरे मर्दानी के दांत देवे के पड़ी भानु प्रताप, अपन मौत के देख के अच्छा अच्छा लोगों के पैंट गीला हो जाला, और तू अभी भी दहाड़ता रहा।
शेर जब भी मुंह खोली तो दाढ़ी, तोरे जैसन कुत्ते की तरह भौंकी नहीं। भानुप्रताप, तू हमारे आज्ञन के सामने खड़ा पड़ा तो कई बात के एहसास बाकी नहीं। जे के तू हथियार समझे तोड़ा ओके, हम खिलौना समझे नहीं। अर्जुन, इस शरीर में कितना गोली घुस के फड़फड़ा के अपन दम तोड़ चुकल बा, ई उम्मीद में कि हमार दम निकल जाए। जैसे रावण के मौत राम के हाथ से निकल है भानुप्रताप, वैसे तो हर मौत हमरे हाथ से निकल बा। अगर के वो हिलल डुलल तो सबकर मौत निश्चित बा। आप बोला अर्जुन, केकर जीवन रेखा की लंबाई आज तक के रहे। हम अपन मौत भी शान से स्वीकार करो भानुप्रताप, राजपूत है, सीना पे गोली खाई, पीठ पे नहीं। चलाओ गोली। राजपूत हमू है अर्जुन, निहत्ता पे गोली हमू नहीं चलाई। अगर हम चाहिए तो आज ये कहानी यहाँ पर खत्म कर दे, लेकिन माता की नवरात्रि चलता और भानुप्रताप देवी माँ के भक्त था, तो आर नसीब तेज बा। भानु प्रताप सिंह केहू के कर्जा नहीं रखेला, अर्जुन सूद समेत वापस करेला। सूद समेत याद रखिए अर्जुन। चला चला ओहो, हाय हाय। या की का बदतमीजी बा? बदतमीजी तब होई रानी। छोड़ हमका, छोड़ हमका। या सबके कहले सा चंदन कहले के माफ करता जी ठाकुर, हमके माफ करता, हमके माफ करता। प्रकाश, हमके माफ करता।
चंदन घबरा मत, तारा कुछ ना होई। अरे बेटा चंदन हम हैं। हम के छोड़ दो डॉक्टर साहब, चंदन कबले ठीक हो जाए। हम पूरा कोशिश करता नहीं, लेकिन जब तक इनके मन से दहशत ना निकली तब तक इनका छुटकारा ना मिली। डॉक्टर साहब देखिए कैसे ही जल्दी ठीक हो जाए। एक बार हम कोशिश करता नहीं। चंदन घबरा मत। भानु प्रताप, अर्जुन ठाकुर के मामला कौनो कीमत पे खत्म होवे के चाहिए। हम सब संभार ले, बाकी ओके सजा मिले के चाहिए। ये होला मंत्री जी, जब खुद के घर जलेला तो बहुत उपदेश सुझेला। हाँ जब वो अर्जुन नाम के आग से आपन घर जले के नौबत आ गई तब सारा उपदेश अंदर घुस गई। भानु प्रताप, ई समय आपस में झगड़ा करके ना हो। हम झगड़ा नहीं की करत, बताओ था नहीं। खैर आप चिंता ना करी, ये राजनीति का खेल ना है, बाहुबलियों के खेल। बाहुबलियों के हम संभाल ले, बोल देनी ना हम सब संभाल ले। बाहर निकल, अपने बिल से बाहर निकल अर्जुन, चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठा बड़ा। बाहर निकल अर्जुन। कहा बुढ़ऊ, कहा बा अर्जुन ठाकुर, कहा बात है बुढ़ऊ? अब ऐसा दिन आ गई अर्जुन के बाप के ढाल बनावे के पड़ गई। अर्जुन घर पर नहीं गए। झूठ मत बोला बुढ़ऊ, निकाले बाहर होके। झूठ नहीं की बोलत, और एक सबसे बड़ा सबूत ही बा अर्जुन ठाकुर के दरवाजे पर तो अब तक जिंदा खड़ा बड़ा। कुछ भी होके ये डायलॉग बहुत अच्छा बोले ले कारे रघुवीर। अरे भैया तू कहा था कर सब डायलॉग भी हम बंद कर दी। नहीं नहीं सुना सत प्रकाश, आपन दूसरा बेटे की लाश भी ढोए खातिर तैयार हो जा। टाइम बचावे खातिर कफन आज ही खरीद ल, अगर तू कह तो हम भिजवा दी। कफन तो ओकरे सर पर हम तहिया बांध दे ले रही, तहिया हम ओके बाहुबली बने के आदेश दे ले रहे ले। और सुना हम ओके तोरे जैसन दुष्ट पापी का खात्मा करले के आदेश दे ले वारी, और जब तक हमारी देश पूरा ना हो जाई ओके कुछ ना होए। अगर वो आज यहाँ रहित तो हार भरम आज ही टूट गई रहित। शुक्र मनावा के वो आज घरे नहीं के। शुक्र तो तू मना भानु प्रताप, अर्जुन घर पर नहीं के, ना था हमारा आदेश आज ही पूरा हो जाए। तो ठीक बा, बहुत जल्दी तोके ओकरे लाश के तोहफा भेजब। ये चैलेंज बा तोसे बुढ़ू, चैलेंज बा। अरे वाह, सौरभ तो पूरा सौरभ गांगुली की तरह खेला था। वेरी गुड, अब तीसरा बॉल सौरभ खुद खेली। हाँ प्रकाश बॉल फेंका। अर्जुन भैया हमरा के पता चल गई, भानु प्रताप पुरानी हवेली में बच्चे लोगन के किडनैप करके रख ले। हाँ ठीक बा, तू सौरभ के लेके घर जा, आज रात तू हवेली पे अटैक किल जाए। चल प्रकाश। चला चला बाबूआ। गाड़ी में बैठ जा, डरा मत, हम तू लोगन के तुहरे मम्मी पापा के पास ले जाए। अलबानी हम गुंडा नहीं। लेकिन आपके पास भी तो बंदूक बा। नहीं बेटा इसे तुहरे खातिर नहीं, इसे इलो खातिर बा,
काहे कि ये लोग आदमी के भाषा नहीं गोली के भाषा समझला। भानु प्रताप के भाई के यो धंधा बा। हमने की तो नौकर है अर्जुन ठाकुर। तो ठीक बा, ये बयान पुलिस की दे दिए, हम तो माफ कर दे। हेलो पुलिस थाना, पांडे जी का फोन था, बोला अर्जुन ठाकुर बा। आप चिंता मत करें ठाकुर साहब, केस संहार दे लेवानी, हर आदमी ये लिख के दे देले बा कि अर्जुन ठाकुर बंदूक के नोक पर ओकरा से रउआ खिलाफ बयान दिवावे के चाहत। बहुत अच्छा पांडे, बहुत अच्छा, सब अपने के माया के माया। तोके तोहार सेवा शुल्क मिल जाई, चिंता मत करा भैया। साफ साफ बोला, यहाँ सब अपने लोग हैं। उस सोन पर वाला गोदाम में का भैलो, गोदाम में वो गोदाम में आग लग गई भैया, सब जर के राख हो गए। गोदाम में आग, रघुवीर हमके लागत इमें भी वो हराम ज्यादा अर्जुन के ही हाथ बा। हाँ भैया, अब आर पार की लड़ाई लड़े की पड़ी, आर पार की लड़ाई। प्रणाम चाचा। खुश रहा बेटा। प्रणाम भैया। प्रकाश ये कहाँ गए नहीं हम, आज होली बा लेकिन हम शायद ये वक्त की जरूरत रहे। प्रकाश कबो कबो ऐसा लगेला जैसे अर्जुन ठाकुर के पैदा होते अर्जुन के मौत हो गई, वो अर्जुन के जो पटाखा के आवाज पे डेरा जाते रहे, लेकिन आज आज तो अर्जुन ठाकुर बा जे कपड़ा के जगह कफन लपेट ले, गुलाल की जगह बारूद ले ले। प्रकाश पुराने दिन के बहुत याद आवेला, खास करके रानी के, रानी के साथ वो होली जब वो मुखिया चाचा के साथ अपने गांव आए रहे। प्रणाम मुखिया जी। खुश रहा, खुश रहा। गोड़ ला। खुश रहा। आवा सौरभ। प्रणाम दादाजी। सत्यप्रकाश जी नहीं खी लौकत, वो का अंगने में मलपुआ खाता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा होली खेल जा। हाँ। तू वो फिबुका हो तौर का। का हो होली में उल्टी पल्ला मार के घुमा ताड़ू। चली भवानी कौना देश से जाई, कौन देश से चली भवानी कौना देश से जाई, और कौना हाथ है भिक्षा मांगी कौना हाथ है खाई जगी जी। पूर्व देश से चली भवानी पश्चिम देश से जाई, चलिया में रंग गोरी डाले दत्ता ने, चलिया में रंग गोरी। सुना मज नो दीवाना हो जाई हद रवाना, सुना मज नो दीवाना हो जाई हद रवाना, बुझा नहीं सुर छुरी है बाना, लगा के देखा चलिया में होके ये दम, लगा के देखा चलिया में होके ये दम, हीरो गिरी छोड़ा।
बढ़िया देवर नहीं खोलब हो आपन के बढ़िया नहीं खोलब हो आपन के बढ़िया देवर नहीं खोलब हो आपन के बढ़िया अरे कितनो हिलई बा सिकड़िया हो कितनो हिलई बा सिकड़िया हो नहीं खोलब हो आपन के बढ़िया देवर नहीं खोलब हो आपन के बढ़िया अरे का हो बुढ़ाओ फागुन में भग बहनी धने बा कारे बांधतुरा दारू पीके बोले बम बम बोले बांधतुरा दारू पीके बोले बम बम बोले फागुन में रे बुढ़वा बुढ़िया बोले ओले 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 देख देख हो मन नहीं माने गर जिया छटपटाता हवा बोहे रोवा फाटा फोट खोड़िया नहीं माने गोरी जिया छटपटाता हवा बोहे रोवा फाटा फोट खोड़िया ता बहिया में एक रस लीला कर लीला कर अरे सुखल बचोली मत गीला कर सुखल बचोली मत गीला कर सुखल बचोली मत गीला कर बहिया में आवरस लीला कर आगे नहीं की बढ़ गए यही जो रुक जा ए रानी काहे रुक गई हो अरे मुखिया चाचा तो अपन होली मिलन कर ली है हमने की आपन मिलन कर लिया जाओ हाँ शर्म नहीं किया अवे सबके सामने अरे सबके सामने नहीं अपना अड्डा पर नदी किनारे का हो चाचा हम हो चली अरे कहाँ ओया अड्डा पर नदी किनारे अरे चल बाप अर्जुन रानी नहीं आई आई अरे नहीं आई बेटा प्रकाश वो हमारा रानी है वो आई अब बोला काहे बुलावला मिलन खातिर का होली मिलन आखिर आज के दिन सबे गले मिले कि नहीं ठीक बा तू प्रकाश से मिलना हम फूलमती से हाँ ई ठीक बा का प्रकाश से तुम होली मिलन तो छोड़ा दिवाली मिलन दशहरा मिलन सब मिलन कर ले लेकिन तो से तू रोज रोज तो हमारे गांव में नहीं है वो मिलन बियाह के बाद अरे बियाह तो हो जाई तो मिलन भी हो जाई अब चला हो फूलमती हमने के मिलन का जाओ कबाब में हड्डी मलने से का फायदा कबाब बने तब ना चला 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 अच्छा ठीक बा मिनी मिलन तो कर सके लो मतलब अरे वो है अंग्रेजी में केसे और हिंदी में चूसे हम नहीं समझनी अरे हिन्ने आवा हम समझावता नहीं बोल के नहीं कह के अच्छा तो बात आगे बढ़ावल जा अबले पीछे बढ़त रहेगा लागत भोले बाबा के प्रसादी ग्रहण कर चुकल बना ऐसा कुछ नहीं के आओ भगवान सुन हम ही कहत मानी का रानी और अर्जुन के ब्याह पक्का बा कोनो नौटंकी नहीं जाए पक्का तबा लेकिन एक को शर्त बा शर्त ई ग्राम पंचायत 13 साल से ब्लॉक लेवल के कबड्डी का टूर्नामेंट हारत आवता अर्जुन के ई टीम के जितावे के पड़ी ई का बात भाई ब्याह के इहे शर्त बा सत्य प्रकाश जी अरे हमहू तो देखी रानी खातिर अर्जुन का कर सकेला मछली के आंख भेदे के ना कहता नी कबड्डी जीते के कहता नी ए मुखिया ये का नौटंकी बा नौटंकी नहीं तुरुप के पत्ता है कई साल से हारत अपने पंचायत के टीम के शायद अर्जुन जिता दे ये प्लानिंग कहले बड़ा कबड्डी
कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी कबड्डी हर साल के तरह ए साल भी शिवपुर के टीम ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के विजयी बन गई बा। अब हम मशहूर पहलवान खोखा सिंह जी से गुजारिश करब कि जीतल टीम के पुरस्कार दही। अब हम शिवपुर के कप्तान से गुजारिश करब कि मंच पर आवे और पुरस्कार ग्रहण करें। धन्यवाद। खोखा सिंह जी के एक और खूबी बा कि चार ब्याह कह चुकल बारन और पांचवी के तलाश जारी बा। मुखिया जी हिने आई। मुखिया जी वो जौन सामने लड़की बिया शायद आपके गांव के लगत या का नाम हो उ तो बच्ची बिया अभी लेकिन हमके पसंद आ गईल। भाई लोगन वो सामने जौन लड़की बिया हमके पसंद आ गईल बिया एक साल के खोज पूरा हमार समाप्त हो गईल और हम एकरा से ब्याह करब और ई ब्याह हमार पांचवा ब्याह हुई। तो क्या शर्म नहीं क्या बेटी की उम्र के लड़की के बारे में सन बोलने में ब्याह भूर से नहीं कहीं जाला। अगर तोरे पेट में दर्द होता हो तो आवा कुश्ती लड़के जीत के दिखा के ले जा। अर्जुन अब का हुई अर्जुन ऐसे लड़ल तो मौत के दावत दिहल बा तो का करी रानी कैसे ही हमने कहले कि ई मतलब नहीं रहे हम तैयार बानी। ई तो के भी मालूम बा कि हमरे सामने बड़ा बड़ा पहलवान चित हो जाला लेकिन प्यार में शहीद भाई आज पहली बार देखा था नहीं चला वाह अर्जुन 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 मार पटक नहीं अर्जुन अर्जुन अर्जुन
तू हमरा के ना हरावला, तोहार प्यार हरावलस। आज जिंदगी में पहली बार हमार नहीं, लेकिन हमके एक कौनो दुख नहीं के। साड़ी पियर बाटे हरवा पियर बाटे कंगना पियर
राज बिंदिया पियर तोहरा दहिया के पियर रे पियर कैले बा तोहरा दहिया के पियर रे पियर कैले बा लागे फागुन के अम्मा मोजर धैले 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 बा अर्जुन महाभारत के अर्जुन के भी बहुत कुछ खोए के पड़ल बहुत कुछ बर्दाश्त करके पड़ल लेकिन श्री कृष्ण भगवान के आदेश पर वो भी धनुष बाण उठवलें हेलो चंदन फूलपति के उठा के ले गई बा के जाने के ना गांव के मिल में ले गई बा के बचा ल का भाई अर्जुन कुछ नहीं तू घर पे रहो हमके अर्जुन जाएगा पड़ी चाहे तो तोके हमेशा खातिर ये दुनिया से विदा कर दे लेकिन नहीं भानु प्रताप सिंह से टकराए की सजा इतना आसान मौत ना मिली तरपा तरपा के मारा बहुत चट्टान बन के घूमत रहल अब आई लूट पहाड़ के नीचे एकर मर्डर केस में तोहार कहानी खत्म अर्जुन सुला दे एकरे बाहुबली अर्जुन भैया के बगल में चला रघुवीर चल हम तोहरा से कहतानी ते अपन जुल्म कबूल कर ले हम बेकसूर बानी कितना बार बोली सारा सारा सबूत तोहरा खिलाफ अर्जुन फिर हमरे कबूल ले और जाए कबूल ले से तोके का फरक पड़े वाला बा पांडे लगा भानु प्रताप के रिश्वत के हक हमार खून निकाल के अदा कर छा तरह पांडे देखिए सर प्रकाश जी अपराधी कितनों भी चालाक होके लेकिन कानून के लंबा हाथ से कानून के हाथन की लंबाई सिर्फ निर्दोषन तक ही पहुंच सकेला आपन बेटा के हालत में देख के भी रोवा पर कोनो असर नहीं पड़ल कानून के कमजोरी के खातिर अपन एक बेटा शहीद कैले के बाद हम अर्जुन के फौलाद बना चुकल बानी फौलाद और जहां तक अपराध की बात बा वो अपराधी नहीं ये आप भी अच्छी तरह से जानत हैं और हम कह चुकल बानी ऑफिसर साहब क्यों जहिया अपराध करी फौरन होकर तोहरा पास ले आई ये हमार वचन बा अच्छा ऑफिसर साहब फूलमती जिंदा बा ओके होश आवे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए आप चिंता मत करें ठाकुर साहब आपके बहुत नमक खेले बन आज अदा कर दे लेकिन पांडे जी रउआ के तो सभी के उचिन लाई जा हाँ पांडे वो लड़की है तो हमारे कोना आदमी जाके खत्म कर दी लेकिन तोहरा के तो सब लोग ठाकुर साहब इबर दिए नु हमार सुरक्षा कवच आप तन को टेंशन मत ली बस वो लड़की के मरे के खबर सुने के इंतजार करी पांडे वो कर मरल बहुत जरूरी बा और कर मौत अर्जुन की बर्बादी लेकिन वो बच गई
तो अर्जुन बच जाई और हमार बर्बादी पक्का। समझला पांडे? नमस्ते साहब। ठीक बा साहब। ठीक बा? ठीक बा। लेकिन बयान देवे लायक बाड़ी की ना? अभिन बेहोश बाड़ी। ओके, हम खुद देख लेते नहीं। जी साहब। क्या बात हो साहब इतना रात के यहाँ? अंदर छुप के बैठे रहे और वो लड़की के हत्या करे जात रहे और ओकरा ऊपर से हमरो पर हमला कर देलस। अच्छा सुरक्षा करत रह तोनी के सरकार इनाम दी। अर्जुन ठाकुर कानून अपन काम जरूर करी। नहीं करी कुछ। लेकिन अर्जुन बाहुबली अर्जुन ठाकुर अपन फर्ज निभाए। हेलो बिहारी मुबारक हो अर्जुन ठाकुर। यही के साथे हम तो के दुनिया से रिहाई के इंतजाम के लिए बने। फोन पे भुगले से अर्जुन ठाकुर चट्टाना लागत तोरे चूर चूर फैले के टाइम आ गेल बा। चुप। पहला पूरा बात सुन। वैसे तो तू आईते नहीं, यही से तोरे प्यारा लाडला गूंगा भतीजा सौरभ के हम अपने पास रख ले बानी। अगर अपने भतीजा के जिंदा देखे चाहत बाड़ा तो हमरे हवेली पर आजा। चुपचाप हमरे हवेली पे आजा। चुपचाप। Bahubali, Bahubali, Bahubali.
ठाकुर साहेब, अर्जुन ठाकुर आ गए। अब आइल ओ पहाड़ के नीचे उड़ा दे साला के, छन्नी छन्नी कर दोगे जो। शांति शांति अर्जुन ठाकुर। अरे तोरे भैया के निशाने के कुछ तो चिंता करा। भानु प्रताप, कंस के मौत के कारण भी एगो मासूम बच्चा भगवान कृष्ण है। तू मर बता हमरे हाथ से ही, लेकिन ओकर कारण आज ही मासूम बच्चा बनी। भानु प्रताप, हमरे सौरभ के छोड़ दे, तहार दुश्मनी हमरे दबा। और एक बात ध्यान रखिए, हमरे सौरभ की एक ही काजू के साथ तोरे खून की एक ही कतरा से ले। अरे हट, बहुत ज्यादा फड़फड़ात बाड़े रे। अर्जुन ठाकुर, तो के आज बताए असली बाहुबली के हाँ। कोई बीच में ना आई, सब लोग कान खोल के सुन ला। अर्जुन ठाकुर और भानु प्रताप सिंह के बीच क्यों ना आई, आज हम बताई भी जवार में असली ताकतवर के है। हम तो के बताई करता तो हार खेल खत्म हो गई। अर्जुन रुक जा ना तो गोली मार दे। सोना
बात नहीं बोलबे कि भानु प्रताप देव के कर्जा नहीं रखेला सूद के साथ वापस करला बहुत भयल है सूद वाला सौरभ अर्जुन सौरभ और बच्चा तोहरा बजा गई तोहरा बजा गई बेटा हमारा अर्जुन अपराधी नहीं के फिर भी हम एक कानून के हवाले करता नहीं अभी फैसला समाज और कानून करे कि अपराधी के बा आज हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार अंदर तक घुस चुका है कानून की निष्क्रियता के चलते सत्य प्रकाश जैसा सिद्धांतवादी इंसान अपने बेटे को बाहुबली बना देता है तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत अर्जुन को 2 साल की सजा सुनाती है और मंत्री राम अवध और उसके बेटे चंदन को मुकदमा चलाने का आदेश देती है साथ ही कानून में सुधार के लिए सरकार को एक आयोग के गठन का सुझाव देती है ताकि फिर कोई सत्य प्रकाश किसी मासूम अर्जुन को बाहुबली बनाने पर मजबूर ना हो प्रणाम बाबूजी खुश रहा खुश रहा प्रणाम माई खुश रहा जियत रहा प्रणाम चचा खुश रहा ए रानी अमर रानी बाहर आइले में इतना लेट काहे हो गई अब का बताए उधर बाबूजी मुखिया जी पाट लहंगा पियर पाट चोली पियर पाट चुनरिया पियर पाट चूड़ी पियर पाट लहंगा पियर पाट चोली पियर पाट चुनरिया पियर पाट चूड़ी पियर पाट लहंगा पियर चोली पियर पाच नरिया पियर पाच चूड़ी पियर तोहरा दहिया के पियरे पियर कैले बा तोहरा दहिया के पियरे पियर कैले बा लाग फागुन के अमुआ मोजर धैले बा लाग फागुन के अमुआ मोजर धैले बा बाट साड़ी पियर बाट हरवा पियर बाट कंगना तोहरा दहिया के पियर पियर कैले बा तोहरा दहिया के पियर पियर कैले बा लागे फागुन के अम्मा मोजर धैले बा लागे फागुन के अम्मा मोजर धैले बा लागे फागुन के अम्मा मोजर धैले बा लागे फागुन के अम्मा Click on the bell icon to get regular updates from Venus.